अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, व्यूअर्स टर्नर मरला हाउस फॉर सेल ऑन कैश। लोकेशन के लिए आप दोस्तों हमें कॉल भी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन दिया गया है। फ्रंट एलिवेशन में व्यूअर्स टाइल वर्क, रॉक वॉल वर्क किया गया। आप ये कह लें कि 50% टाइल वर्क है और 50% रॉक वॉल वर्क किया गया। डिमांड के लिए आप कॉल कर सकते हैं। तो साथ ही आपको दिखा देते हैं जी, इस साइड पे इसका खूबसूरत स्ट्रीट, 40 फीट की ये स्ट्रीट है। इस साइड पे इसका कार रैंप पे आसानी से आप 3 गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं। घर में कोई पार्टी शार्टी हो, इस साइड पे इसका लश ग्रीन गार्डन एरिया दिया गया। खूबसूरत वॉल पर मेन गेट, स्लाइडिंग मेन गेट दिया गया है। इसमें छोटे छोटे सेंटर में आयरन रॉड यूज़ किए गए हैं। कार पोर्च के एरिए में यहाँ पे भी आप 3 गाड़ियाँ आसानी से खड़ी कर सकते हैं। 2 इस साइड पे कर सकते हैं, 1 इस साइड पे जहाँ पे ये बाइक खड़ी है, 1 यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत हाउस बना हुआ है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। कुछ यहाँ पे भी काम होने वाला है छोटा छोटा, तो ये साथ साथ कर रहे हैं। बहरिया के लाज के मुताबिक गैलरी छोड़ी गई है। गैलरी में आपको बैक साइड पे इसी तरह स्पेस मिलती है जिस तरह ये साइडों पे है। मेन डोर डबल यूनिट हाउस दिया गया। सीलिंग स्पॉट लाइट यूज की गई है, बैक लाइट यूज की गई है। व्यूअर्स, इस साइड से इसका ड्राइंग रूम, मेन डोर डबल यूनिट के लिए डोर, खूबसूरत हाइटेड डोर दिए गए हैं। डिज़ाइन बहुत प्यारा दिया गया डोर का, तो जल्दी से इंटर हो जाते हैं जी। इस साइड पे आपको स्टेयर मिलती हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए। इस साइड पे सामने इसका टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज, टोटल 5 बेडरूम दिए गए हैं। इस साइड पे इसका किचन दिया गया है और सामने जो 2 डोर आपको नज़र आ रहे हैं बेडरूम के। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं जी, टाइम वेस्ट किए बगैर। आपको वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तफसील से आपको सारी डिटेल बता दूंगा। जो ही इंटर होते हैं, यहाँ पर 3 लैंप लगाए गए हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। इसका पाउडर रूम स्पेस की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस पाउडर रूम में भी दी गई है। साथ ही टीवी लॉन्च इस वॉल पर आप देख सकते हैं, खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया है। इस डिज़ाइन में आप और भी इसे डेकोरेट करना चाहें तो कर सकते हैं, खूबसूरती में काफ़ी इजाफा हो जाएगा। सीलिंग स्पॉट लाइट यूज़ की गई है, बैक लाइट यूज़ की गई है। सेंटर में 1 शैंडिलियर, साइडों पे 2 फैन इंस्टॉल किए गए हैं। शैंडिलियर में अभी लैंप यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला है। साथ ही इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे इसकी मीडिया वॉल दी गई है, छोटा सा कंसोल बॉक्स दिया गया और साथ ही यहाँ पे स्पेस दी गई है LED के लिए। किचन में इंटर होते हैं जी, फ्लोर पे वुड कलर में टाइल वर्क किया गया है। सिंक इंस्टॉल करने वाला है, अभी छोटी सी विंडो दी गई है सिंक के ऊपर। गैलरी के लिए डोर दिया गया है। कैबिनेट्स की बात करें, खूबसूरत हाई ग्लास शीट यूज़ की गई है कैबिनेट्स में। किचन हुड बर्नर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। सीलिंग स्पॉट लाइट यूज़ की गई है, बैक लाइट यहाँ पे यूज़ नहीं की गई। तो व्यूअर्स, इंटर होते हैं बेडरूम में। इस साइड पर इसका फर्स्ट बेडरूम, लेमिनेटेड सेफ्टी डबल ग्लेस विंडो इंस्टॉल की गई है। फ्लोर से लेकर सीलिंग तक वार्डरोब एलिगेंस मैट शीट यूज़ की गई है। सीलिंग स्पॉट लाइट यूज़ की गई है, बैक लाइट यूज़ की गई है, एक यहाँ पे फैन इंस्टॉल किया गया है। साथ ही इसका वॉशरूम, सिंपल सा इसका मिरर दिया गया, खूबसूरत वेंटी सेटअप दिया गया, कमोड और शावर एरिया। स्पेस की बात करें तो काफ़ी स्पेस है, स्टैंडर्ड डायमेंशन है। सीलिंग स्पॉट लाइट यूज़ की गई है। व्यूअर्स, इंटर हो जाते हैं इसके सेकेंड बेडरूम में। जो ये मीटर होते हैं, लेमिनेटेड सेफ्टी डबल ग्लेस विंडो इंस्टॉल की गई है। व्यूअर्स, इस साइड पे यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे कोशिश की गई थी इसे दोबारा यहाँ पे ये कर देंगे। इस साइड पे वॉल के साथ बिल्कुल प्लेन की गई है वार्डरोब एलिगेंस मैट शीट यूज़ की गई है वार्डरोब की। सीलिंग स्पॉट लाइट यूज़ की गई है, एक फ़ैन यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। साथ इसका वॉशरूम मीटर हो जाते हैं। व्यूअर्स, सामने इसका शावर एरिया, सिंपल सा शावर एरिया दिया गया है। मिरर
खूबसूरत वेंटी सेटअप दिया गया है। सामने इसका एक विंडो दी गई है, सीलिंग स्पोर्ट लाइट यूज़ की गई है, बैक लाइट यूज़ की गई है, सॉरी बैक लाइट यहाँ पे यूज़ नहीं की गई। तो व्यूवर्स मूव होते हैं, आपको फर्स्ट पे ले जाएंगे, साथ ही इसका आपको ड्राइंग रूम भी दिखा देते हैं। ड्राइंग रूम सामने इसका खूबसूरत, इसकी विंडो दी गई है, खूबसूरत डोर दिया गया है, सीलिंग स्पोर्ट लाइट यूज़ की गई है, बैक लाइट यूज़ की गई है, बहुत ही खूबसूरत। सीलिंग की अगर बात करें यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया है। साइडों पे दो लैंप लगाए गए हैं, सेंटर में फ़ैन इंस्टॉल किया गया। तो इस साइड पे आप इसका डोर डिज़ाइन देख सकते हैं, खूबसूरत डोर डिज़ाइन भी दिया गया। तो व्यूवर्स मूव होते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर आपको ले चलते हैं। इस साइड पर ये जो स्टेयर आप देख रहे हैं ऊपर, फर्स्ट फ्लोर की ये डबल यूनिट का डोर, तो यहाँ से हम विंडो यहाँ पे इंस्टॉल की गई है, बड़ी सारी विंडो इंस्टॉल की गई है। 3.5 फीट वाइड स्टेयर केस, साइड पे स्टील पाइप यूज़ किया गया है। यहाँ पे निश दी गई है, इसमें लाइट इंस्टॉल करेंगे, काफ़ी सोहनी लगेंगी यहाँ पे। तो व्यूअर्स इंटर हो गए हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ से स्टेयर ऊपर जा रही है छत पे, ये स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाती है। सामने डोर आपको मिलता है टेरेस का, चेक कर लेते हैं, टेरेस भी आपको दिखा देते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। इस टेरेस पे आप एक टेबल और 4-5 चेयर लगा सकते हैं। सामने स्ट्रीट का व्यू, काफ़ी वाइड स्ट्रीट भी है। तो व्यूअर्स 3 बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे दिए गए, एक बेड यहाँ पे आपको मिलता है। सामने इसका टीवी लाउंज, ओपन किचन दिया गया है, सामने 2 बेडरूम दिए गए हैं। तो व्यूअर्स यहाँ से शुरू करते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम से। लैमिनेटेड सेफ्टी डबल ग्लेस विंडो इंस्टॉल की गई है, सीलिंग स्पोर्ट लाइट यूज़ की गई है, बैक लाइट यूज़ की गई है। सीलिंग डिज़ाइन यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। सामने इसका मेन डोर, इंटर हो जाते हैं इसके वाशरूम में। वाशरूम की स्पेस काफ़ी स्पेस है, शावर एरिया, विंडो साइड पे कमोड दिया गया है, सिंपल सा इसका वेंटी सेटअप। और सामने यहाँ पे इसकी वार्डरोब दी गई है, फ्लोर से लेकर सीलिंग तक स्लाइडिंग इसके देख सकते हैं, स्लाइडिंग वार्डरोब यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। मूव होते हैं जी इस साइड पे इसका टीवी लाउंज। टीवी लाउंज में यहाँ पे आप और भी इसे डेकोरेट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं अभी वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे इसमें पोशिश वगैरह इंस्टॉल करेंगे, वॉलपेपर लगेगा, तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। सीलिंग स्पोर्ट लाइट यूज़ की गई है, बैक लाइट यूज़ की गई है, 2 फैन इस साइडों पर और एक शैंडिलियर। शैंडिलियर में अभी लाइट इंस्टॉल होने वाली है। तो इस साइड पर इसकी मीडिया वॉल नीचे कंसोल बक्स दिए गए हैं, रैक दिया गया है, यहाँ पे कुछ भी काम होने वाला है। तो सामने इस साइड पे इसका किचन, खूबसूरत किचन कैबिनेट्स इंस्टॉल की गई हैं, हाई ग्लास शीट यूज़ की कैबिनेट्स में, किचन हुड बर्नर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया, सिंक सामने, बड़ी सारी विंडो दी गई है। तो कैबिनेट्स में आपको काफ़ी स्पेस मिल जाती है बर्तन रखने के लिए। ओपन किचन दिया गया, ग्राउंड पे इसे क्लोज किया गया था। तो व्यूअर्स इंटर हो जाते हैं सामने इसके फर्स्ट बेडरूम में। लैमिनेटेड सेफ्टी डबल ग्लेस विंडो इंस्टॉल की गई है, सीलिंग स्पोर्ट लाइट यूज़ की गई है, बैक लाइट यहाँ पे इंस्टॉल नहीं की गई। तो इस साइड पे फ्लोर से लेकर सीलिंग तक इसकी वार्डरोब दी गई है, सीलिंग स्पोर्ट लाइट यूज़ की गई है, बैक लाइट यहाँ पे ऊपर भी नहीं यूज़ की गई। तो इस साइड पे इसका वॉशरूम इंटर हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का काम अभी होने वाला है ना, तो इस साइड पे इसका खूबसूरत शावर एरिया दिया गया है, टाइल वर्क डिफरेंट कलर में दिया गया है, सिंपल सा इसका मिरर दिया गया है, वेंटी सेटअप, सामने खूबसूरत विंडो दी गई है, हाइटेड डोर और यहाँ पे इसका कमोड दिया गया है। तो व्यूअर्स ले चलते हैं जी जल्दी से आपको इसके लास्ट बेडरूम का भी आपको टूर करवा देते हैं। इस साइड पे इसका लास्ट बेडरूम, सामने लैमिनेटेड सेफ्टी डबल ग्लेस विंडो इंस्टॉल की गई है। इस साइड पे
फ्लोर से लेके सीलिंग तक वार्डरोब एलिगेंस मैट शीट यूज़ की गई है, सीलिंग स्पोर्ट लाइट यूज़ की गई है, बैक लाइट यहाँ पे यूज़ नहीं की गई। अगर इस पे आप बैक लाइट यूज़ करते हैं तो काफ़ी खूबसूरती में इजाफा होता है। इस साइड पे इसका वॉशरूम वेंटी सिंपल सा मिरर दिया गया, सामने इसका शावर एरिया, इस साइड पे इसका कमोड दिया गया, सीलिंग स्पोर्ट लाइट यूज़ की गई है। तो व्यूअर्स, कोई ऐसी बात जो मैं आपको नहीं बता सका, आप पूछना चाहें कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, डिमांड के लिए आप कॉल कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब डिमांड में ये हाउस है, ब्रांड न्यू हाउस है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।